क्लास में हम लोग पोल्यूटेंट के रूप में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम कंबाइंड NOx NOx भी कहते हैं। एक्स जी, एक्स कोई भी रूप ले सकता है, वन भी ले सकता है, टू भी ले सकता है, उसी हिसाब से चाहे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकता है या फिर नाइट्रस ऑक्साइड हो सकता है, वही नाइट्रस ऑक्साइड हो सकता है या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो सकते हैं। देखिए वही बोला गया यहाँ पे कि नाइट्रिक ऑक्साइड दैट इज NO एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दैट इज NO2। देखिए NO प्लस NO2 इसी को हम NOx कहते हैं। क्यों? क्योंकि O में 1 है और इसमें O में 2 है। तो क्या है, आप 1 लिख सकते हैं वहाँ पे, 2 लिख सकते हैं, इसलिए NOx। X रिफर टू योर न्यूमेरिकल नंबर, ये नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों को हम लोग क्या कहते हैं ऑल टुगेदर, दोनों को क्या कहते हैं NO और NO2 को कहते हैं NOx कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, NOx समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एसिड रेन के लिए। समझ रहे हो ना, एसिड रेन को समझने के लिए NOx बहुत जरूरी है। यदि नाइट्रस ऑक्साइड का बात हो, N2O, देखिए तो NO NOx तो नहीं हुआ, ये N2 हुआ। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के साथ 2 जुड़ा हुआ है, तो ये NOx नहीं है। बात समझिए, NOx मतलब वो होता है जिसमें ऑक्सीजन का जो नंबर है वो चेंज होता है। यदि ऑक्सीजन का नंबर 1 है तो वो आपका NOx है, यदि ऑक्सीजन का नंबर 2 है तो वो भी NOx है। मान नाइट्रोजन का नंबर डिफरेंट हो तो वो NOx नहीं है, सिंपल सी बात है। यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड N2O है, उसको बोलते हैं लाफिंग गैस, जानते हैं, जो कि सुंघा दिया जाए थोड़ा सा भी तो हंसते रहेगा आदमी। और ये बहुत बढ़िया से एक पिक्चर है, अक्षय कुमार का पिक्चर में दिखाया गया है इस चीज़ को, नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में। चलिए तो बात करना चाहूँगा NOx यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये कहाँ से इसका सोर्स क्या है, कैसे फॉर्म होता है ये, तो विल गेट टू नो एवरीथिंग। देखिए NOx आर प्रोड्यूस फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन, देखिए NO है। अब पहले बात आपको समझना होगा कि N और N, रामानंद जी आपका पुराना नॉलेज चेक होगा यहाँ पे, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन N2 के बीच में ट्रिपल बाउंड ब्रेक करना आसान चीज नहीं है, इट रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और यहीं इंटरनल कंबशन में ये एनर्जी रिक्वायर होता है, पूरा होता है वहाँ पे। हाँ क्या बोले, यू आर करेक्ट, बट हाउएवर फॉर आपको सिंगल बॉन्ड तोड़ना है, तीन का थ्री बॉन्ड्स है, हम क्या बोल रहे हैं NOx, NOx में क्या है नाइट्रोजन एक बॉन्ड रहेगा, इंटरनल कम्बसन। बात समझिए नहीं, यहाँ कहने का मतलब है कि जो सोर्सेस इंटरनल कम्बसन में जो N2 है, N2 मतलब जो ट्रिपल बॉन्ड है वो ब्रेक किया आता है तब ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ये इंटरनल कम्बसन में ही होगा, क्योंकि इंटरनल कम्बसन में यू गेट लॉट ऑफ एनर्जी, दैट आई एम आस्किंग, दैट आई एम सेइंग। तो NOx आर प्रोड्यूस फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एट हाई टेम्परेचर, बात समझिए, दैट इज इन द इंजन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, यानी कि जो ऑटोमोबाइल्स के इंजन में बाबू नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तब जाके ये NOx प्रोड्यूस होता है। और देखो ये दिया, यही तो बोल रहे हैं, प्रोड्यूस मेनली इंटरनल कम्बसन ऑफ इंजन्स एंड कोल बर्निंग प्लांट्स, यानी कि जो थर्मल पावर प्लांट देखते हो उसमें भी तुम्हारा NOx प्रोड्यूस होता है, और यही बाद में जाके तुम्हारा एलिमेंट बनता है एसिड रेन का, करेक्ट। और नेचुरली मैं बात करूँ, चलो थर्मल पावर प्लांट तो क्या हुआ, एंथ्रोपोजेनिक हो गया, क्योंकि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। सो फार नेचुरल फेनोमेना इज कंसर्न, लाइटनिंग के टाइम में ह्यूज एनर्जी रिलीज होता है ऊपर, और यही ह्यूज एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है कि नाइट्रोजन को ब्रेक करता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो N2 है वो इनर्ट होता है, उसको ब्रेक करता है और वहाँ से एक नाइट्रोजन लेता है और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, दैट टाइम इट कम्बाइंस एंड फॉर्म NOx। समझ में आ रहा है ना, नेचुरल फेनोमेना और एंथ्रोपोजेनिक फेनोमेना, एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन मेड। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डू नॉट रिएक्ट, वही तो बोल रहे हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कभी भी एम्बियंट टेम्परेचर में नहीं होता, नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं हो सकता वो, ये हाई टेम्परेचर में होता है, इसलिए कहता हूँ कि एनर्जी ज़्यादा लगते हैं इसमें, आई गेटिंग मी। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कभी भी नॉर्मल टेम्परेचर में रिएक्ट नहीं कर सकता साथ में, बट एट अ हाई टेम्परेचर क्या हो सकता है, दे रिएक्ट एंड प्रोड्यूस वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, हाँ N2 हो सकता है, N3 हो सकता है, NO हो सकता है, NO2 हो सकता है, यानी कि जितना हाई टेम्परेचर होगा उसी हिसाब से तुम्हारा उसका फॉर्मेशन होगा NOx का। NOx अभी बोल चुके हैं, NO भी हो सकता है, NO2 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपका नंबर क्या होगा। एक सच टेम्परेचर अराइज इनसाइड एंड, देखो यही तो बोला है, और इस तरह का टेम्परेचर तभी प्राप्त हो सकता है जब तुम्हारा इंटरनल कम्बशन इंजन हो वहाँ पे या फिर लाइटनिंग हो। तो बात समझ रहे हैं कि यह कहने का मतलब NOx इतना आसान फिनोमेना नहीं है बनना,
नॉक्स के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जो कि आपका इंटरनल कंबसन में मिलेगा, इंटरनल इंजन कंबसन में मिलेगा, या फिर आपके लाइटनिंग प्रोसेस मिल सकता है। कोई पूछेगा कि क्या सोर्स है, तो कह सकते हो कि इंटरनल कंबसन के टाइम में हो सकता है, थर्मल पावर प्लांट्स में हो सकता है, या फिर नेचुरल फिनोमेना बात करें तो लाइटनिंग के टाइम में हो सकता है नॉक्स बनने में। समझ गए? तो अब बात करेंगे और सोर्सेस कैसे होता है। देखो अब कहाँ कहाँ से, जैसे थर्मल पावर प्लांट का बात करते हैं, और सोर्सेस क्या क्या है इसका। बर्निंग ऑफ फसल फ्यूल्स, ऑटोमोबाइल्स में तुम फसल फ्यूल कोल को वो करते हो। फसल फ्यूल मतलब क्या, कोल, इट इज़ ऑल अबाउट कोल। ठीक है, जब तुम फसल फ्यूल को जलाते हो ऑटोमोबाइल सेक्टर में, यानी कि इसमें क्या है, कोल का मतलब ऑटोमोबाइल में क्या है, पेट्रोल डीजल। ऑटोमोबाइल सेक्टर में पेट्रोल और डीजल ही है तुम्हारा फसल फ्यूल, जो कि एमिटर भी है तुम्हारा। नंबर वन, कोल पावर, यही कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स में होता है। बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट, जो स्टबल बर्निंग होता है हरियाणा सब पंजाब सब में, उससे भी तुम्हारा नॉक्स निकलता है। फर्टिलाइजर का जब यूज़ करते हो तुम, क्या कि ताकि चाहते हो कि तुम्हारा सोइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि नाइट्रोजन कंटेंट्स भरे, तो उस समय भी तुम्हारा जब रिलीज होकर बाद आता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल बच्चा लोग देखेगा ठीक से, तरमानंद जी आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या होता है, ये दो प्रोसेस आते हैं, यहाँ पर लिखा गया होगा। ठीक है, ये अभी थोड़ा देर में आ जाएगा। रुके मैं देख ही लेता हूँ यहाँ पे। हाँ, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन, ये नाइट्रोजन साइकिल में इन्वॉल्व रहता है कि नहीं रहता, यही साइकिल के वजह से वो रिलीज होता है। हाँ बिल्कुल, उस समय तो यही बोला गया है कि इसका सोर्सेस क्या है, कि फसल फ्यूल जब हम बर्न करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में तभी भी हो सकता है, कोल बेस्ड थर्मल पावर के टाइम में भी हो सकता है, एग्रीकल्चर का वेस्ट हम जलाते हैं तभी भी हो सकता है, फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं, अभी थोड़ी देर में बताएंगे कैसे फर्टिलाइजर का यूज़ करने की वजह से नाइट्रोजन होता है, अभी थोड़ी देर में उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। ठीक है, बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, वही स्टबल बर्निंग। अब देखो ये समझना होगा कि जब हम बर्निंग करते हैं क्रॉप रेसिड्यू को, यानी कि स्टबल बर्निंग सब करते हैं, तो 240 मिलियन केजी ऑफ नॉक्स प्रोड्यूस होता है। बहुत ज़्यादा है ना, ह्यूज अमाउंट है। और जब जहाँ तक बात है नाइट्रिक ऑक्साइड का, मात्र वो 7 मिलियन होता है। N2O यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड, ये तुम्हारा नेचुरली और मैन मेड दोनों होता है। अभी तक तो नॉक्स कर रहे थे, अभी N2O कर रहे हो। इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स क्या है N2O का, सोइल्स अंडर वेजिटेबल एंड ओशंस, यानी कि जो सोइल्स तुम्हारा वेजिटेशन है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर भी ह्यूज एमिट करता है N2O को, ऑब्वियसली करता है, नंबर वन। और ओशन भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है उसको एमिट करने के लिए N2O। आई एम टेलिंग यू अबाउट N2O। नेचुरल सोर्स क्या है, देखो अब इसमें समझना होगा कि नेचुरल सोर्स लगभग, यानी कि नेचुरल सोर्स ज़्यादा तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल है, लगभग 60% तुम्हारा क्या है, नेचुरल सोर्स है। और एंथ्रोपोजेनिक जो सोर्स है वो मात्र 38% है। समझ में आया ना? तो कोई ये ब्लेम ना करे कि ह्यूमन मेड ज़्यादा होता है, नहीं, ह्यूमन मेड से ज़्यादा तुम्हारा क्या है कि नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना क्या है, एग्रीकल्चर से होना, ओशन, हाँ करेक्ट। मैनमेड सोर्स ऑफ N2O क्या है, यदि हम मैनमेड N2O का ले तो एग्रीकल्चर है, वही बोल रहा है, फसल फ्यूल कंबसन है, इंडस्ट्री है, बर्निंग है। अब बर्निंग ऑफ बायोमास, ये बायोमास का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपका कोई भी चीज़ है उसका ड्राई वेट लेते हो, डेट इज़ अ बायोमास, यानी कि काउ डंग, ये फ्यूल, ये जो जो तुम्हारा जो बोलते हैं ना जरना चूना, लकड़ी वगैरह चून के जो यूज़ करते हो, वो भी बायोमास है। बस क्या होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए कोई भी चीज़ जो कि एनर्जी में काम आता हो, वो सभी बायोमास है। यानी कि जब उसको हम जलाते हैं, यानी कि बायोमास को जब जलाते तभी भी हमारा N2O प्रोड्यूस होता है, दैट इज योर नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। यानी कि लार्जेस्ट मैन मेड तुम्हारा सोर्स N2O क्या है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, जो वेजिटेशन, जैसे कि एग्जांपल मैंने हर समय बोला है, एग्रीकल्चर में जैसे व्हीट पैडी आप कल्टिवेशन करते थे, N2O बहुत ज़्यादा रिलीज होता है ईयर में। दैट इज योर लाफिंग गैस, N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, दैट इज लाफिंग गैस। तो समझो कि एग्रीकल्चर से कैसे प्रोड्यूस होता है, एग्रीकल्चर से जो प्रोड्यूस होता है उसका मेन रीजन क्या है कि यूज ऑफ फर्टिलाइजर। जब हम फर्टिलाइजर को यूज़ करते हैं नाइट्रोजन को बढ़ाने के, यानी कि हम नाइट्रोजन को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं सोइल में, तो फिर वो तो जाता है ऊपर एयर में जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है। तो वही बोला गया है कि जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, वो सबसे बड़ा तुम्हारा सोर्स है N2O का, जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर जो यूज़ करते हो। कैसे, जब हम फर्टिलाइजर को सोइल में अप्लाई करते हैं तो जो माइक्रोबियल प्रोसेस न्यूट्रिफिकेशन और डीन्यूट्रिफिकेशन होता है, जो कि नाइट्रोजन साइकिल का हिस्सा है, उसके वजह से N2O प्रोड्यूस होते हैं और एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। सिमिलरली द यूज ऑफ मैन्योर यूज़ करते हो तुम्हारा सोइल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एज अ फर्टिलाइजर, ये भी तुम्हारा कहीं ना कहीं ऑल्सो लीड्स टू एमिशन फ्रॉम एग्रीकल्चरल सोइल। और यहाँ से मैन्योर चाहे यूज़ करो तुम,
चाहे मेनर मतलब वही तुम गाय का गोबर गोबर यूज़ कर दिए, वहाँ से भी N2O जाएगा। ये सभी क्या है, नेचुरल आपका सोर्स है N2O का। पहले तो हम बात किए नॉक्स का, अभी N2O का बात कर रहे हैं। तो अब ये भी देख लेते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होता है ह्यूमन हेल्थ पे या अलग अलग जगह पे। तो नॉक्स का पहले समझते हैं कि ये एस्थमेटिक कंडीशंस को ख़राब कर सकता है, वही सांस लेने का जो है आपका क्रम उसको ख़राब कर सकता है, और बहुत सारे रेस्पिरेटरी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं स्पेशली चिल्ड्रन में। नॉक्स गैसेस जब रिएक्ट होता है एटमोस्फेरिक गैसेस से, तो आप जानते ही हैं ये स्मोक भी बन सकता है, फोटो स्मोक बन सकता है, और साथ साथ एसिडेड भी बन सकता है। क्यों? चूंकि नाइट्रोजन प्रेजेंट है इसलिए वो नाइट्रिक एसिड बन गया, यदि सल्फर होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। नाइट्रिक एसिड का फुल फॉर्म क्या है, HNO3 है कि नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब ये फ्री एयर में मैच करेगा, फ्री एयर में जाएगा नाइट्रोस ऑक्साइड या नॉक्स जाएगा ऊपर, तो क्या बन जाएगा, ये पूरी तरीके से नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। और मैं बाद में बताऊंगा कि एसिड रन के वजह से कितना इम्पैक्ट होता है, आर्किटेक्चर को भी इम्पैक्ट होता है। जैसे मार्बल कैंसर का बात करते हो, ताजमहल आज क्यों पीला पड़ गया, बिकॉज ऑफ एसिड रन, बात होगा अभी थोड़ी देर में। अब देखो क्या है कि नॉक्स रिएक्ट करते हैं एटमोस्फेरिक गैसेस में, उससे स्मोक बनते हैं और एसिड रन बनते हैं, डेट इज नाइट्रिक एसिड बनते हैं, और इसके वजह से ट्रोपोस्फेरिक ओजोन भी बनते हैं। मैंने हर समय इस क्लास में बोला है कि जो ओजोन का जो तुम्हारा स्ट्रेटोस्फीयर का जो ओजोन है वो बेस्ट है हमारे लिए, क्योंकि वो यूवी को रोकता है। मगर yes, ट्रोपोस्फीयर में यानी कि जो पहला लेयर है उस लेयर में यदि कोई ये पाया जाता है, ओजोन पाया जाता है, वो खतरनाक है, वो आपको बिगाड़ता है, ख़राब करता है। और इस तरह का जो नाइट्रोस ऑक्साइड है, नॉक्स है, वो क्या करता है, ट्रोपोस्फीयर ओजोन का लेवल बढ़ाता है। और जितना ट्रोपोस्फीयर का ओजोन लेयर बढ़ेगा उतना ही क्या हुआ, दिक्कत होगा हमें, है ना, बहुत सारा चीज़ देखो। मगर ये समझना होगा कि नॉक्स ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, ये समझना होगा। ये ग्रीन देखो पूछ सकता है सिविल सर्विस में, तो ये पॉल्यूटेंट है जी, मगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस मतलब क्या है, तापमान बढ़ा देने वाला, ये तापमान नहीं बढ़ाता है। दे डू नॉट कॉज एनी ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट, नहीं करता है जी। और जहाँ तक सवाल है देखो, यानी कि नॉक्स नहीं करता, मगर N2O, ये समझ लेना बात को, यहाँ पे घुमा देगा फिर चीज़। मगर जो लाफिंग गैस जिसको कहते हो, ये तुम्हारा ग्रीन हाउस गैस, हाँ, क्योंकि वो मैंने बोला है कि नॉक्स N2O अलग है, नॉक्स मतलब वो ओ का लेगा रिप्लेसमेंट, वन है या टू हो। तो नाइट्रोस ऑक्साइड जो कि लाफिंग गैस है वो ग्रीन हाउस गैस है, और ये सिवियरली अफेक्ट करता है आपको ओजोन लेयर को। नाइट्रोस ऑक्साइड जो N2O है आपका, ये ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है, और इससे ओजोन डिप्लेशन होता है, वही चीज़ है दूसरे तरीके से लिखा गया है। तो हमने इस क्लास में अभी तक क्या जानने का प्रयास किया कि N2O क्या है और नॉक्स क्या है, इसका सोर्सेस क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है, और ह्यूमन हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब दूसरा पोल्यूटेंट पढ़ेंगे, डेट इज़ अ सल्फर डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है आपके एसिड रन के लिए, समझ गया ना, तो दोनों को इसलिए एक साथ लिया गया है। अब समझो कि ये इसका टॉक्सिक गैस है, टॉक्सिक मतलब क्या, पॉइजनस गैस है, और स्मेल बड़ा ही पंजेंट होता है, मतलब बहुत इरिटेटिंग स्मेल होता है, समझे ना, नंबर वन। अब देखो इसका यदि मैं नेचुरल फिनोमेना का बात करूँ सोर्स का, तो वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बहुत रिलीज होता है। और ये क्या है, ये तो बाबू ऐसा कि लाइट ऊपर से आएगा तो ऊपर रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए इसको यूज़ करते हैं। यानी कि ऊपर से हम यदि क्लाइमेट को चेंज करना चाहते हैं तो सल्फर का यूज़ किया जाता है। इट इज़ अबंडेंटली अवेलेबल इन द एटमोसफियर ऑफ वेनस, हाँ ये बात समझना जरूरी। वेनस देखो मरकुरी, मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहूँगा कि मरकुरी जो है सबसे करीब है सन का, मगर फिर भी उतना गर्म नहीं है जितना गर्म वेनस है। क्यों? क्योंकि वेनस में सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, और जो सल्फर डाइऑक्साइड जो वहाँ का एटमोसफियर में ज़्यादा है, यही कारण है कि वो बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत गर्म है, गजब हीट इट क्रिएट्स। तो ये बोला कि एबंडेंट अवेलेबल है एटमोसफियर ऑफ वेनस। अब इसका सोर्स क्या है, जब तुम कोल को जलाते हो थर्मल पावर प्लांट में, तो वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा एमिट होता है। जब डीजल को जलाते हो तो उस समय भी सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। जैसे बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, जब पेपर वाला इंडस्ट्री वाला बात हो, या स्मेल्टिंग ऑफ योर मेटल्स, स्मेल्टिंग ऑफ मेटल मतलब क्या होता है कि मेटल को तुम पिघला रहे हो और फिर उसी हिसाब से उसका आकार बना रहे हो। जैसे देखते हो कि गांव देहात में या फिर शहर में भी आते हैं और तुमको बोलते हैं कि मेटल को पिघला दिए और तुम गणेश जी का फोटो बनाना है, सरस्वती माता का फोटो बनाना है, जैसे छाप दिए, वो स्मेल्टिंग ऑफ मेटल्स। तो उस समय भी सल्फर डाइऑक्साइड बहुत रिलीज होता है, समझे। और जैसे तुम सल्फाइड ओट्स को तुम जब रोस्टिंग करते हो, बहुत सारा पायरेट है, बहुत सारा चीज़ है प्योर सल्फर निकालने के लिए, तो उस समय भी सल्फर डाइऑक्साइड बहुत रिलीज होता है। तो स्मेल्टिंग वही बोले, स्मेल्टिंग क्या है, एक्सट्रैक्टिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स वे
बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड मेल्टिंग। हीट करके मेल्ट करके जब तुम उसको बनाते हो उसका फिर तुमको स्ट्रक्चर देते हो, वही स्मेल्टिंग कहलाता है। तो समझ गए कि सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन कहाँ कहाँ से सोर्स है उसका एमिशन का। अब इफेक्ट देखते हैं, इसका इफेक्ट क्या होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड हमारे स्किन को इम्पैक्ट करता है, म्यूकोस मेम्ब्रेन जो नोज का मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये देखते हो म्यूकोस मेम्ब्रेन, ये इसको इम्पैक्ट करता है, थ्रोट को इम्पैक्ट करता है, लंग्स को इम्पैक्ट करता है और आई के लिए भी बहुत इरिटेंट है ये, नंबर वन। दूसरा क्या है कि डीप, ये तुमको पेन हो जाता है, डीप ब्रेथ लेने में दिक्कत होता है यदि इसका ज़्यादा एक्सपोजर हुआ तो, नंबर वन। कॉफिंग में प्रॉब्लम होता है, थ्रोट इरिटेशन हो सकता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो सकता है। यदि हाई कंसेंट्रेशन का सल्फर डाइऑक्साइड यदि किसी आदमी को इस पर वो किया जाए, एक्सपोज किया जाए, तो लंग फंक्शन भी काम करना छोड़ देता है, यानी कि उसको भी इफेक्ट हो सकता है, अस्थमा अटैक हो सकता है जी, ठीक है, हार्ट डिजीज भी हो सकते हैं, यानी कि इसका रिपरकशन बहुत लंबा तक है जी, रेस्पिरेटरी है इसका, अस्थमा प्रॉब्लम, सो मैनी प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, आई प्रॉब्लम। इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, देखो सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ही पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है, अनलाइक नॉक्स। नॉक्स तो है ही नहीं, बस N2 है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और इसकी वजह से क्या ग्लोबल वार्मिंग भी होता है। SO2 रिएक्ट्स विथ वाटर वेपर। देखो होता क्या है कि वाटर वेपर से वो रिएक्ट करता है और वहाँ जाके वो सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, करेक्ट। सल्फ्यूरिक एसिड का फुल फॉर्म क्या है रमन जी? H2SO4। तो उसको वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स मिला, वहाँ रिएक्ट कर गया और सल्फ्यूरिक एसिड बन गया और इसे एसिड रेन हो गया, वहाँ पे जब फॉल होगा वो एसिड रेन के हिसाब से फॉल होगा, और ये मेन रीज़न है कि जिसके वजह से बहुत सारे हमारा आर्किटेक्चर ख़राब हो जा रहा है, और उसमें एक ताजमहल भी है, क्योंकि ताजमहल का तुम प्रीमिसेस देखोगे आगरा का अगल बगल तो बहुत ही इंडस्ट्रियल डेवलप्ड है वो जगह, और वहाँ से जो थर्मल पावर प्लांट्स जो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है और वाटर वेपर में जो रिएक्ट करता है और एसिड रेन बनता है वो फॉल हो जाता है वहाँ पर। और यही कारण है कि पहले की तुलना में जो पहले बहुत व्हाइटिश था ताजमहल वो येलोइश हो गया है, समझे, डेट इज अ मार्बल कैंसर। तो देखो लास्ट स्लाइड है, तो मार्बल कैंसर क्या होता है, देखो मार्बल कैंसर मतलब है कि कोरिजन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या कोरिजन हो गया, कोरिजन समझते हो, रस्टिंग होना, समझ रहे हो, और तुम्हारा जो एन स्टैचूज मेड ऑफ अ मार्बल बाय एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड, यानी कि एसिड रेन के वजह से क्या हुआ, पूरी तरीके से स्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट पड़ा है। ये एसिड रेन के वजह से होता है, एसिड रेन रिजल्ट्स इन कोरिजन बाय डिजॉल्विंग द कैल्शियम प्रेजेंट इन द मार्बल। देखो अब जो कैल्शियम जो प्रेजेंट है मार्बल उसको डिजोल्व कर देता है, उसको कम कर देता है, इसलिए जो व्हाइटिश जो कलर दिखता है वो कम हो जाता है और येलोइश में कन्वर्ट हो जाता है वो। तो मार्बल देखो ये क्या होता है, कॉजेस डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मार्बल एंड येलोइंग ऑफ द बिल्डिंग और स्टैचू, जो भी आर्किटेक्चर है वो येलोइश कलर हो जाता है। द ताजमहल इज लूजिंग इट्स वाइट साइन बिकॉज ऑफ द मार्बल कैंसर। तो अभी देखो एक बस एक दिखाने का प्रयास किया गया है कि कैसे एसिड रेन के वजह से आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, समझ गए ना रामानंद जी? तो देखो कितना जल्दी ख़त्म कर दिए, मैं फिर से मैं एक बार रिकैप करवाना चाहूँगा मैं कि हमने आज की क्लास में यही बात किया, फटाफट देख लीजिए एक बार रिकैप कर देते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड नाइट्रस ऑक्साइड, हमने बात किया कि नाइट्रोजन ऑक्साइड नॉक्स होता है और नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है। नाइट्रस ऑक्साइड को ही लाफिंग गैस कहते हैं और इसका इम्पैक्ट देखने का प्रयास किया था। नाइट्रस ऑक्साइड में फिर से रिपीट करता हूँ कि नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मगर नॉक्स ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जानने के लिए यहाँ पे। और इसमें मैंने मेजर कंट्रीब्यूटर भी बताया कि कहाँ कितना कंट्रीब्यूट करता है। जहाँ तक N2O का सवाल है, नाइट्रस ऑक्साइड का सवाल है, जो ग्रीन हाउस गैस है इसका जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है वो एग्रीकल्चर है, मैन मेड के हिसाब से देखा जाए। एग्रीकल्चर क्यों है, क्योंकि मैंने बोला कि कोई भी सिंथेटिक फर्टिलाइजर आप यूज़ करते हो तो वहाँ से N2O रिलीज होता है, क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल में तुम देखोगे, चाहे नाइट्रिफिकेशन का बात हो चाहे डीनाइट्रिफिकेशन का बात हो, उस समय बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, समझे। इफेक्ट हम देख चुके हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का भी हम जान लिए हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड में भी क्या होता है, यदि हम डीजल को बर्न करें या थर्मल पावर प्लांट में फसल फ्यूल को यानी कि कोल को बर्न करें तो उस समय भी होता है, जब हम स्मेल्टिंग करते तो उस समय भी होता है। इसका इफेक्ट देखे कि स्किन से लेके बहुत सारा जगह हो सकता है हमारा, ठीक है, और इफेक्ट इसका इन्वायरमेंट पे है, जिसमें एक तुम्हारा ताजमहल भी आर्किटेक्चर को लेके। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास ऑफ इन्वायरमेंट।